हेलो दोस्तों, स्वागत है आपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 की कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, और इसमें हम आपको फोर्स वाइज कट ऑफ बताने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितने नंबर पे आपका जैसे जिस पोस्ट में हो जाएगा कि बीएसएफ में कितने नंबर पर हो जाएगा, सीआईएसएफ सीआरपीएफ जी सब ठीक है। और यही बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, और कट ऑफ स्टेट वाइज भी बताने वाले हैं। तो सब देखते रहिए, एक ही वीडियो में सब आपको मिल जाएगा ठीक है। और फिजिकल किससे करना है ये भी बताएंगे, पूरी लिस्ट तैयार है आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आईटीबीपी की ठीक है। तो आईटीबीपी में जनरल में आपके 60 से 66 नंबर के बीच यदि नंबर आ रहे हैं, यानी कि 60 नंबर आपके आ रहे हैं, तो जनरल वाले पक्का मानिए कि हो जाएगा आपका सिलेक्शन ठीक है आईटीबीपी में। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 54 से 58 ओबीसी, और एससी की बात करें तो 49 से 53, और एसटी की 44 से 48। तो आईटीबीपी के जनरल के जिससे 60 नंबर, ओबीसी के 54 या 55, और एससी के 50 और एसटी के 45 नंबर यदि बन रहे हैं तो ठीक है, आपको आईटीबीपी की मिल सकती है बिल्कुल। हम आगे बात करते हैं बीएसएफ। तो बीएसएफ में जनरल की बात की जाए तो 64 से 68 के बीच जनरल की जाएगी। यदि 65 नंबर आपके हैं, 65 या 65 के आसपास हैं, तो आप बीएसएफ आपको मिल सकती है। उसके बाद ओबीसी में 56 से 60, एससी में 50 से 54, और एसटी में 44 से 48 ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स परेशान ना हो, आपको भी उसका सॉल्यूशन बता देते हैं कि जनरल में यदि आपके जैसे हमने जनरल में बताए हैं 64 से 68, यदि आप इससे 5 नंबर हटा दें ठीक है, सब में यदि आप ओबीसी में हैं तो 56 से 5 हटा दें, 50 बचेंगे, तो 5-5 नंबर कम कर लीजिए आप लड़कों से ठीक है। तो 5 नंबर कम में आपका हो जाएगा लड़कियों का भी। तो यहाँ पर एससी में 54 पर 50 से 54 यदि आ रहे हैं, और एसटी में 44 से 48 तो भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ में यदि जनरल में 71 से 75 के बीच नंबर बन रहे हैं, तो जनरल में आपको इस सीआरपीएफ की मिल जाएगी। ओबीसी में 66 से 70, एससी में 62 से 65, और एसटी में 56 से 60, इतने में आपको सीआरपीएफ की मिल जाएगी। आगे बात करते हैं एसएसबी। अब ये काफ़ी रैंक वाली नौकरियां आ गई हैं बड़ी बड़ी। अब बात करते हैं एसएसबी, यदि जनरल में आपके 80 से 84 नंबर के बीच बन रहे हैं तो आपको एसएसबी की मिल जाएगी। ओबीसी में 75 से 80 बन रहे हैं तो एसएसबी, और एससी में 70 से 75, और एसटी में 65 से 70, तो एसएसबी के चांस हैं आपको ठीक है। आगे बात करते हैं सीआईएसएफ। तो यहाँ पर ये भी अच्छी नौकरी है यहाँ पर सीआईएसएफ की, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेरिट जाएगी, इतनी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट नहीं थी। तो जनरल के यदि 82 से 86 के बीच नंबर बन रहे हैं तो यहाँ पर सीआईएसएफ आपको मिल सकती है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 76 से 80, एससी की 70 से 74, और एसटी की 66 से 70 आपको सीआईएसएफ की मिल जाएगी ठीक है। आगे बात करते हैं एसएसएफ, ये भी बड़ी यहाँ पर पोस्ट है। एसएसएफ की बात करें तो जनरल में यदि 85 से 87 बन रहे हैं तो एसएसएफ की मिल सकती है। ओबीसी में 82 से 85, एससी में 79 से 81, और एसटी में 75 से 80 ठीक है। आगे बात करते हैं एनआईए, सबसे बड़ी है एनआईए। तो एनआई में यदि 90+ आपके बन रहे हैं, 90+ तो ही आपको एनआईए में मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि एनआईए में यदि उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो जनरल की मात्र 5 सीटें हैं, ओबीसी की 2 सीटें हैं, और एससी एसटी की शायद 1 भी सीट नहीं है, तो काफ़ी कम है। 90+ जिसके नंबर हैं उसी को मिल सकती है एनआईए की पोस्ट ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है, यदि 90+ बनेंगे तो ही आपको एनआईए की मिलेगी ठीक है। ओबीसी में 88 से 90, एससी में 85 से 88, और एसटी में 80 से 85 में एनआईए की आपको मिल सकती है। वैसे एससी एसटी की शायद यहाँ पर यूपी में तो है नहीं, और कहीं का पता नहीं है, देखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, यदि आप यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा से हैं, और यदि आपके 55+ नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन श्योर समझ भी सकते हैं, और आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा ठीक है। क्योंकि देखिए, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं, 10 से 20, किसी को 30-30 नंबर तक मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन में 20 से 30 नंबर भी आपके बढ़ सकते हैं ठीक है। तो यदि यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा से हैं तो 55+ नंबर आपके आ रहे हैं, तो बिल्कुल श्योर समझिए और रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आगे बात करते हैं, ये राज्य हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। यदि इसमें आपके 40 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो आपका श्योर समझिए, क्योंकि काफ़ी कम कट ऑफ जाती है यहाँ पर। यदि आप कहें तो मैं आपको यहाँ पर जो 2015 की भर्ती थी यहाँ पर एसएससी जीडी की, उसमें बहुत कम कट ऑफ गई थी स्टेट वाइज, तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता दूंगा ठीक है।
कि यहाँ पर 2019 वर्सेस 2015 की कितनी कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर 40 नंबर के आसपास आ रहे हैं इन राज्यों से, तो आप अपना श्योर सिलेक्शन समझ लीजिए और रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल, इसमें आपके 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। देखिए ये मत कहिए कि इसमें आपको पोस्ट बड़ी भी मिल सकती है, क्योंकि जैसे आपके 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 50 नंबर आ रहे हो, यदि आपको 20 नंबर भी यदि नॉर्मलाइजेशन आपको मिल गया तो आपके 70 नंबर हो गए, तो आपको CRPF की आराम से मिल सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी यदि आपके 50 नंबर के आसपास हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर है बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तो सब जय हिंद।